हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द अवर नेक्स्ट उपविश, दैट नथिंग बट धतूर. ओके, तो धतूर का अल्टीमेटली क्या है? ये पर्टिकुलरली प्लांट है ऐसा कुछ, जिसके शंख जैसा पर्टिकुलरली हमारा क्या होता है, धतूर का फूल दिखाई देता है. ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इसके फ्रूट जो हम इसके जो फ्रूट होते हैं ना, इसके फ्रूट में कांटे वगैरह बहुत होते हैं, थॉनी वगैरह इसमें रहते हैं, दैट्स वन को हम क्या बोलते हैं, थॉन एप्पल बोलते हैं. धतूर का नॉर्मली हम बीज यूज़ करते हैं एज अ विश पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, धतूर का ये फ्रूट है. ओके, धतूर का ये फ्रूट है, जैसे ही फ्रूट बर्स्ट होता है, इनके अंदर ऐसे दिखने वाले क्या होते हैं, बीज डेवलप होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, धतूर बीज बोलते हैं. ओके, धतूर के बीज हैं क्योंकि अल्टीमेटली बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, एकदम हार्ट शेप या फिर किडनी शेप के इसके क्या होते हैं, अपीयरेंस होता है. ओके, तो जब इनके जो फ्रूट होता है, फ्रूट के ऊपर थॉर्न लगे हुए थे, कांटे वगैरह लगे हुए रहते हैं, और अल्टीमेटली जब ये फ्रूट बर्स्ट होता है, इनके अंदर इस शेप का क्या होता है, बीज होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, धतूर के बीज बोलते हैं. ओके, तो धतूर के बारे में अगर आपको बताऊं, धतूर अल्टीमेटली आप जानते हो कि हमारे लॉर्ड शिव को पसंद है. ओके, और अल्टीमेटली धतूर जो होता है, धतूर के फल वगैरह हम चढ़ाते हैं पूजों में. ओके, धतूर करता क्या है, धतूर अगर कोई बंदा ले लेता है तो बंदा बहुत बोलने लगता है. ओके, आफ्टर टेकिंग द धतूर बंदा बहुत बोलने लगता है, बंदे की जो प्रलाप जो शक्ति होती है, यानी कि जो बोलने की जो कैपेसिटी होती है, वो बढ़ती जाती है. ओके, देन अल्टीमेटली इसके लैटिन नेम वगैरह की बात करें, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें ऑफ धतूर, धतूरा एस्ट्रोमोनियम या धतूरा मेटल इसका लैटिन नेम है. सोलेनेसी एक पर्टिकुलर फैमिली इसकी होती है. इंग्लिश में से हम धतूरा बोलते हैं, हिंदी में से हम धतूर बोलते हैं, संस्कृत में से भी हम धतूर बोलते हैं सेम. इसके बहुत सारे पर्यायनाम हैं, उन्मत्त, शिवशेखर, शिवप्रिय, ये सभी क्या है इसके पर्यायनाम है, यानी सिनोनिम्स हैं. कंटक फल, क्योंकि इसके फल के ऊपर कांटे वगैरह लगे हुए रहते हैं. उन्मत्त, शिवशेखर, शिवप्रिय, यानी कि लॉर्ड शिव को प्रिय है. शिवशेखर अगेन रिलेट विद आवर लॉर्ड शिव. उन्मत्त एंड कंटक फल, यानी कंटक फल मतलब थॉर्न वगैरह लगे हुए रहते हैं इनके सीड फल के ऊपर. ओके, एंड अल्टीमेटली इनके कौन से पार्ट का हम यूज़ करते हैं, धतूर के, धतूर का प्लांट होता है जिनका हम बीज यूज़ करते हैं. ओके, धतूर बीज वी आर यूजिंग. इनके अंदर कौन से एक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, इनके अंदर एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन, सॉरी इसके स्कोपोलामाइन. ओके, ये क्या है, इनके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया, वसनाब में हमारा अल्टीमेटली एकोनिटम होता है, कुचला में हमारा स्ट्रकनिन होता है, हमारे आईफेन में मॉर्फिन कोडिन होता है. ओके, अभी जैसे जो मैंने नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, वही जो कि हमारा क्या था उसमें, जयपाल था, जिनके अंदर प्रोटीन, जिन्हें हम टॉक्सालब्यूमिन बोलते हैं, और वहाँ पे क्रोटोनिक एसिड होता है. तो ये जो पर्टिकुलर जो एक्टिव प्रिंसिपल है, इनके थ्रू वो क्या करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं कि एक्टिव प्रिंसिपल के द्वारा द्रव्य क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं. बट कभी कभी ऐसा होता है, या फिर आप मोस्टली भी समझ सकते हो, नॉट कभी कभी विथ, तो ऐसा भी होता है कि जो एक्टिव प्रिंसिपल है उनको हमें निकालना जरूरी होता है, क्योंकि वो एक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है, हमें टॉक्सिक इफेक्ट बॉडी में लाता है, वो बॉडी में इंड्यूस करता है. ओके, तो एकोनिटम जो था हमारा एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पर्टिकुलरली वसनाब में, उसको निकाला हमने बायशोधन, हमने स्ट्रिक्टिन को निकाला बायशोधन ऑफ कुचला के अंदर, हमने पर्टिकुलरली जो मॉर्फिन कोडिन जो हमारा आईफेन के अंदर है, उसको हमने वहाँ पे उसके इफेक्ट को हमने कम किया बाय शोधन. हमने अल्टीमेटली टॉक्सालब्यूमिन और जो क्रोटेनिक एसिड है जो जयपाल के अंदर, वो भी हमने क्या किया, सप्रेस किया बाय शोधन प्रक्रिया. इन दैट सेम में एट्रोपिन एंड स्कोपोलामाइन जो हमारा रहता है एक्टिव प्रिंसिपल, उसको भी हम कंट्रोल करते हैं बाय शोधन. ओके, तो धतूर की अगर बात करें तो जितने भी पार्ट्स होते हैं इसके, सभी पार्ट्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं. बट जो इनका मोर पॉइजनस होता है वो इनके सीड में ज़्यादा पाया जाता है. ओके, यानी कि इनके सीड जो होते हैं वो मोर पॉइजनस होते हैं. एक्टिव प्रिंसिपल की अगर बात करें, धतूरिन, हायोसिन, एट्रोपिन एंड हायोसामाइन, ये इसके क्या है, एक्टिव प्रिंसिपल हैं. इनके द्वारा पर्टिकुलर हमारा धतूर का जो थेरेप्यूटिक जो इफेक्ट है वो शो होता है, और पर्टिकुलरली एक्टिव प्रिंसिपल को भी हमें क्या करना पड़ता है, इनमें से कुछ एक्टिव प्रिंसिपल को क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है बाय शोधन. ओके, इनके एंटीडोट की अगर बात करें, कि अगर धतूर किसी बंदे ने ले लिया है और उसको स्विचेबल नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं, यानी कि धतूर लेने के बाद अगर कोई इफेक्ट बॉडी के ऊपर दिखाई देते हैं, तो हम वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन
हमें पर्टिकुलर ये मेडिकेशन अवेलेबल है मार्केट में, मॉडर्न मेडिकेशन अवेलेबल है, तो दत्तूर को लेने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन जो पर्टिकुलर मेडिकेशन है हमें देना पड़ता है, ओके। या फिर दूध मिला हुआ शक्कर, यानी कि शक्कर मिला हुआ दूध हम पेशेंट को दे सकते हैं, इससे भी क्या होता है जो इफ़ेक्ट होगा धतूर का, ओके, वो सप्रेस हो जाएगा। पांच प्रकार के धतूर के प्लांट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर, श्वेत कलर जैसे कि मैंने आपको इनिशियली दिखाया, ब्लैक कलर का फूल जिसके अंदर होता है वो ब्लैक हमारा धतूर होगा, नीला कलर, रक्त कलर का फूल, पीत कलर का फूल और येलो कलर का फूल, ओके। तो ये दोनों ये देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द फ्लावर पांच प्रकार के, हाँ पांच प्रकार हो रहे ना, एक वाइट कलर, कृष्ण कलर, नील कलर, रक्त कलर और येलो कलर, जिन्हें हम क्या बोलेंगे पीत कलर भी बोलेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द फ्लावर धतूर हैज़ फाइव टाइप्स, श्वेत धतूर, कृष्ण धतूर, नील धतूर, रक्त धतूर और हमारा पीत धतूर, ओके। तो आउट ऑफ दैट ब्लैक वेराइटी जो होती है हमारी बेस्ट होती है, जिनके अंदर बहुत सारे थेरेपेटिक कंटेंट वगैरह होते हैं, जो कि हम इसलिए इसका यूज़ करते हैं। शोधन विधि की अगर बात करें तो इनका शोधन हमें करना पड़ता है, ओके, इनका शोधन हम वगैरह करते हैं। तो शोधन इन गोदुग्ध अगेन वही सेम मेथड है, आपको क्या करना रहता है, एक दोलायंत्र वगैरह लेना पड़ता है, ओके, आपको दोलायंत्र वगैरह लेना पड़ता है, आपको ऐसा कुछ मटका वगैरह रहेगा, आपको मटके में पोटली रखना है, जिनके इस पोटली में आपको अशुद्ध धतूर का बीज रखना है, अशुद्ध धतूर बीज, आपको धतूर बीज रखना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिक्विड मीडिया लेना है, कौन सा लिक्विड मीडिया लेना है आपको यहाँ पे, अल्टीमेटली गोदुग्ध लेना है, ओके, आपको यहाँ पे गोदुग्ध लेना है लिक्विड मीडिया, और इस गोदुग्ध में इस पर्टिकुलर धतूर बीज में से जो इम्प्योरिटीज होगी वो बाहर निकल जाएगी। तो अल्टीमेटली आफ्टर थ्री आवर का आपको वहाँ पे अग्नि देने के बाद ना, आफ्टर जब इसकी बॉइलिंग वगैरह आप कर दोगे, आफ्टर थ्री आवर कंप्लीशन जो होते हैं ना, धतूर बीज की पोटली निकालनी है, धतूर बीज को आपको धोना है गर्म पानी से, और धोने के बाद क्या होता है वो शुद्ध हो जाता है, ओके, धतूर सीड और बीज गेट प्यूरीफाई आफ्टर इट्स वॉशिंग, तो टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है धतूर के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है बाय शोधन प्रक्रिया। तो शोधन इन गोदुग दिन दोलेंद्र फॉर थ्री आवर फ्रॉम पोटली हैविंग अशुद्ध धतूर बीज इट एंड टू इट्स वॉशिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इट्स शोधन शोधन, ओके। तो शोधन कंप्लीट होने के बाद जो भी कंटेंट है पोटली के अंदर उनको हमें धोना पड़ता है, उनका हमें वॉश आउट करना पड़ता है, और आफ्टर धोने के बाद इनका क्या होता है टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाता है, धतूर का शोधन हो जाता है। यूजेस की अगर बात करें तो शोथ व्याधि में ब्रोंको डायलेटर होता है, तो ब्रोंको डायलेटर श्वास व्याधि के ठीक करने के लिए कनकासो एक कल्प है जिनके अंदर धतूर हमारा होता है, कनकासो और कनक सुंदर जो कल्प होता है, कनकासव और कनक सुंदर रस, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कल्प होते हैं हमारे धतूर के। तो कनकासव जो होता है वो ब्रोंको डायलेटर होता है, इनके अंदर अल्टीमेटली कनकासव में हमारा धतूर होता है, धतूर अल्टीमेटली जो एट्रोपिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट या फिर जो एक्टिव प्रिंसिपल है ना, एक्टिव प्रिंसिपल अल्टीमेटली टॉक्सिक इफेक्ट भी कॉज कर सकते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल अल्टीमेटली वहाँ पे थेरेपेटिक इफेक्ट भी कर सकते हैं, ओके। तो अल्टीमेटली जो हमारा एक्टिव प्रिंसिपल जो एट्रोपिन है वो क्या करता है, वो ब्रोंको को ब्रोंको डायलेटर का काम करता है, यानी कि बॉडी में रिलैक्सेटरी कंडीशन को जो लाता है उनको हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा धतूर उनमें से एक है। जैसा आईफेन था नर्कोटिक ड्रग था वो नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर रहा था, बट हमारा जो धतूर है बॉडी में हमारे धतूर क्या करता है पूरे जो बॉडी सिस्टम में जो वर्क होता है ना वो उसको थोड़ा स्टॉप कर देता है, ओके। तो अल्टीमेटली ब्रोंको डायलेटर का काम करता है हमारा धतूर, एंड दैट्स व्हाई कनक सुंदर एक कल्प है, सॉरी कनकासो एक कल्प है जो कि एक्टर से ब्रोंको डायलेटर, ओके। कृमि का नाशन है, कृमि हर प्रवाहिका व्याधि में कनक सुंदर रस हम देते हैं, ओके। देन कुष्ठ कृमिग्न व्याधि में हम क्या करते हैं अल्टीमेटली इनके बीज का हम यूज़ करते हैं। कोलाइटिस व्याधि में, कोलाइटिस व्याधि एक अगेन इंटेस्टिनल इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम है जो कि हमारे पर्टिकुलरली लार्ज इंटेस्टाइन का एक प्रॉब्लम है कोलाइटिस कोलाइटिस, ओके। तो उसको ठीक करने के लिए धतूर के कल्पों का यूज़ किया जाता है। देन अगेन पेरीफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाता है, कौन धतूर के कल्प जो होते हैं पेरीफेरल सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जो कि नीडेड है हमारे फीवर के कंडीशन में टू मेंटेन द टेम्परेचर विद द इन्वायरमेंट, ओके। और वहाँ पे स्वेटिंग वगैरह प्रोड्यूस होती है जब पेरीफेरल सर्कुलेशन हमारे बढ़ जाता है तब। तो श्वेत जनन की प्रक्रिया को लाने के लिए भी क्या होता है धतूर के कल्पों का यूज़ किया जाता है। मात्रा की अगर बात करें तो एक वन फोर्थ से हाफ रत्ती इसकी मात्रा है। धतूर के विष प्रभाव की अगर बात करें तो स्वर भेद जो गला बैठ जाता है ऐसा बोलते हैं ना,
हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, दृष्टिमान दे, ओके, और मुख शोष, हमेशा मुख में ऐसा सूखापन का लगना, ये क्या है, धतुर विषय, यानी कि धतुर के विषय प्रभाव है, धतुर का विषय प्रभाव है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें इनके प्रभाव की, निगेटिव जो इनके विष हुए, जो निगेटिव इफेक्ट हुए उनके अगर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो गोदुग्ध, वचाचूर्ण, तक्र और दधि, ये सभी क्या है इनके ट्रीटमेंट बताए गए, जो भी निगेटिव इफेक्ट जो हमने देखने को मिला, ओके। गोदुग्ध, वचाचूर्ण, तक्र और दधि, यहाँ पे रिमेम्बर आपको एक चीज़ रखना, याद रखना है कि जितने भी विष होते हैं ना, उन विषों को अगर आपको उनसे अगर उभरना है, यानी कि अगर धतूर है, भांग है, इनसे थोड़े टाइम के लिए हमारी जो मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, ओके, हमारे थोड़े टाइम के लिए मेमोरी जो होती है वो चली जाती है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि विषाक्त एक्टिविटी जो है ना वो हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द अम्ल रस, ओके, यानी कि खट्टे पदार्थ हम लेंगे ना तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टॉक्सिक इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट नहीं बोल सकते, जो विषाक्त एक्टिविटी है ना, यानी कि जो अल्टीमेटली हमें जो फील हो रहा है, भांग जो हमने ले लिया या फिर धतूर हमने ले लिया, इसकी वजह से जो धतूर अगर हमने ले लिया तो हम कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, बोलेंगे, यानी कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, टॉकिंग करेंगे, कंटिन्यूसली हम बात करेंगे, हम प्रलाप करेंगे, तो उसको कम करने के लिए भांग ले लिया, जो मेमोरी हमारे थोड़े टाइम के लिए लॉस हो चुकी थी वो पर्टिकुलरली प्रॉपर हो जाए, उनको लाने के लिए हम क्या करते हैं, विषाक्त एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे खट्टे पदार्थों को हम लेते हैं, ओके। देन कल्प की अगर बात करें तो कनक सुंदर रस, मैंने आपको बताया अल्टीमेटली फॉर आवर प्रवाहिका, और कनक आसव जो अल्टीमेटली फॉर आवर ब्रोंको डायलेटर के लिए, ओके। त्रिभुवनकृति रस जो हमारे ज्वर में यूज़ किया जाता है, और प्रलाप अंतक रस जो कि जो कंटिन्यूसली बंदा जो बोलता है, ओके, उनके अंदर हम पर्टिकुलरली धतूर के कल्पों का ये यूज़ करते हैं, ओके। तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर आवर धतूर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट उपविष, ओके।